Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Shad. Today we will discuss last topic from locomotion and skeleton in vertebrates. अब हम इसमें देखेंगे locomotion in mammals को. तो mammals को पहले हम define कर लेते हैं. ये वो animals हैं जिनके ऊपर हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, और ये नरिशिस का मतलब होता है परवरिश करते हैं अपने यंग वंस की माँ के पेट के अंदर, और माँ जो है इनको अपने दूध के ऊपर परवरिश देती हैं, उनको बड़ा करती हैं, उनका ब्रॉट अप करती हैं. इनको हम नाम दे देते हैं मैमल्स का. ये डेफिनेशन हो गई. इसकी एग्जाम्पल है मंकीज, रैबिट एंड ह्यूमंस. ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं. जो मोड ऑफ लोकोमोशन है मैमल्स का वो बहुत ही एफिशिएंटली है, बहुत ही एफिशिएंट है. वो सपोर्ट करता है बॉडी को, ठीक है, जो कि मैमल्स को बढ़तरी देता है एज कंपेयर टू अदर्स. मैमल्स ने अपने लिम्स के अंदर तब्दीलियां जो हैं वो रूनमा की हैं. उनके लिम्स ऑफ मैमल्स जो हैं वो मॉडिफिकेशंस के लिए जो है वो गए हैं, और मॉडिफिकेशन जब उनके अंदर हुई है तो ये बेटर अडॉप्टेड हुए हैं. इनके अंदर थ्री टाइप्स की मॉडिफिकेशन जो हैं वो हुई हैं. हमने आज उनको थ्री टाइप्स की मॉडिफिकेशंस को देखना है, ठीक है. अगर हम बात करें पहली मॉडिफिकेशन की तो वो है प्लांटीग्रेड मॉडिफिकेशन. बेटे इसके अंदर द फॉर्म ऑफ लोकोमोशन इन विच एनिमल वॉक ऑन देयर सोल्स, अपने सोल के जरिए जो है वो मूव करते हैं. तो सोल के साथ पाम, हथेली, व्रिस्ट, कलाई और उसकी डिजिट्स वो भी मुकम्मल तौर पर जमीन के ऊपर लगते हैं. इस तरीके की मॉडिफिकेशन को हम नाम दे देते हैं प्लांटीग्रेड मॉडिफिकेशंस. क्या नाम दे देते हैं? प्लांटीग्रेड मॉडिफिकेशन. ये मॉडिफिकेशन मंकी, एप्स और ह्यूमन के अंदर देखी गई. बेटे याद रखिएगा, एप्स इज हाईली रिजेंबलिंग टाइप ऑफ मंकी है, जो कि इंसान से बहुत ज्यादा मुशाबे रखता है. एप्स है वो. उसके बाद बेटे सेकंड मॉडिफिकेशन है, उसका नाम है डिजिटीग्रेड मॉडिफिकेशन. जो डिजिटीग्रेड मॉडिफिकेशन है वो हम डिस्कस करने लगे हैं. वो है ऐसी मॉडिफिकेशन जिसके अंदर जानदार एनिमल जो है वो मूव करता है ऑन देयर डिजिट्स, अपने डिजिट्स के ऊपर मूव करता है, उसको हम कहते हैं डिजिटीग्रेड मॉडिफिकेशन. अब ये जो है ज्यादा तेजी से मूव कर लेते हैं एज कंपेयर टू प्लांटीग्रेड. अगला करैक्टर आपको यहां लिखा नजर आ रहा है इस जगह पे, गालबन, ये इस जगह पे देखो जरा. फर्स्ट डिजिट इज रिड्यूस कंप्लीटली. मतलब क्या है बेटा इसका? इधर देखें जरा. लेट्स सपोज मेरा हाथ है, ये मेरे उंगलियां मेरे डिजिट्स हैं. बेटे अगर ये वाला पहला थंब जो है, क्या है ये? थंब है, ठीक है. इंडेक्स फिंगर है. इंडेक्स फिंगर के बाद इसे बोलते हैं मिडल फिंगर, इसे बोलते हैं रिंग फिंगर, और इसे लिटल फिंगर बोलते हैं, ठीक है. अब थंब अगर ना हो तो ये फर्स्ट डिजिट इज कंप्लीटली रिड्यूस. तो ये चार के ऊपर बहुत फास्टली रन करते हैं. ऐसे जानदारों को हम कहते हैं डिजिटीग्रेड, और ऐसी मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं डिजिटीग्रेड मॉडिफिकेशन. ये मॉडिफिकेशन देखी गई रैबिट के पास और रोडेंट्स के पास, ठीक है.
यहां तक हमने दो मॉडिफिकेशन को डिस्कस किया, ये अलहदा अलहदा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और इनकी एग्जांपल्स जो हैं ये एमसीक्यूज के तौर पर जो है वो आ जाती हैं कि भाई डिस्ट्री ग्रेड में कौन है, प्लांटी ग्रेड में कौन है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि इनके अंदर से डिफरेंस करें। अब थर्ड और लास्ट मॉडिफिकेशन है अंगुली ग्रेड मॉडिफिकेशन, इसे कहते हैं स्विफ्ट मॉडिफिकेशन का भी नाम देते हैं, स्विफ्ट वॉकिंग मॉडिफिकेशन। अच्छा, इसके अंदर जो है वो टिप्स के टो के मूव करता है, ये मॉडिफिकेशन जो है वो इनको बैटरली हुप करने के अंदर मदद देती है, कूदने के अंदर मदद देती है। अब लेट्स सपोज आपने देखा होगा एक हिरन या गोट का पाऊं, उनके टोज जो हैं वो मॉडिफाई हुए हैं और वो हुप लाइक बन गए, जिस वजह से ये आपको जो डियर है गोट है आपको हुप करती हुई मूव जो है वो नजर आती हैं और ये स्विफ्टली वॉक करती हैं। इस तरीके की मॉडिफिकेशन को कहते हैं स्विफ्ट वॉकिंग मॉडिफिकेशन। क्या कहते हैं? स्विफ्ट वॉकिंग मॉडिफिकेशन। अच्छा जी, इसी के साथ हमारा टॉपिक वाइंड अप होता है। आइए जरा इसको रिकॉल कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने क्या सीखा। बेटे आज हमने लोकोमोशन इन मैमल्स देखा, ये लास्ट टॉपिक है लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स का। हमने पहले डेफिनेशन को देखा कि भाई क्या डेफिनेशन होती है मैमल्स की, ऐसे मैमल ऐसे जानदार जिनके जिस्म पे हेयर्स हैं, नॉरिश करते हैं अपने बेबीज को इनसाइड और मिल्क देते हैं। हमने फिर एग्जांपल देखी, फिर हमने कहा कि ये मोड ऑफ लोकोमोशन कैसे करते हैं, इन्होंने अपने लिम्स के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हैं। हमने तीन मॉडिफिकेशंस को डिस्कस किया, तीन मॉडिफिकेशन को डिस्कस करने के साथ हमने देखा कि सबसे पहली है प्लांटी ग्रेड मॉडिफिकेशन, दूसरी है डिस्ट्री ग्रेड मॉडिफिकेशन, तीसरी है अंगुली ग्रेड मॉडिफिकेशन। तो बेटे प्लांटी ग्रेड मॉडिफिकेशन के अंदर आपने देखा कि भाई ये एनिमल वॉक करता है सोल के ऊपर, सोल के साथ कौन कौन से और सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, पाम है, विस्ट है, डिजर्ट्स हैं जो जमीन के ऊपर इनको मूव करने में मदद करते हैं। फिर मैंने आपके साथ इसकी एग्जांपल्स डिस्कस की, मंकी, एप्स, मैन, बियर। फिर डिस्ट्री ग्रेड की बात की मैंने, डिस्ट्री ग्रेड जो है बेटे ये वॉक करते हैं ऑन देयर डिजर्ट, रन फास्टर देन प्लांटी ग्रेड, इनका फर्स्ट डिजर्ट जो है वो कम्प्लीटली रिड्यूस्ड होता है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल इसकी देखी, थर्ड पे हमने स्विफ्ट वॉकिंग मॉडिफिकेशन या अंगुली ग्रेड मॉडिफिकेशन देखी, जिसके अंदर हम देखा कि इनके टिप्स ऑफ टो के ऊपर ये मॉडिफाई करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मॉडिफाई करने के बाद ये हुप लाइक स्ट्रक्चर कैसी है, ये डियर और गोट के अंदर देखी गई, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से जो है वो मूव करती है, डियर भी और गोट भी, और टो के ऊपर मूव करती है, ठीक है। इस तरीके की मॉडिफिकेशन को हम नाम देते हैं स्विफ्ट वॉकिंग मॉडिफिकेशन। इसी के साथ हमारा लोकोमोशन इन मैमल्स जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो बेटे आज हमारा ये टॉपिक यहाँ ही वाइंड अप होता है। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।